हेलो दोस्तों, ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ACL में कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, जबकि पेशेंट फिसल के गिर जाता है और उसके पैर में तेज़ दर्द होता है, तो ऐसे में कई बार हमें ऑपरेशन तुरंत भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन को उस वक्त नहीं करते हो तो पेशेंट को तेज़ दर्द रहता है। अगर वो दर्द फिजियोथेरेपी से सही हो जाता है तो ठीक है, लेकिन तो कई बार हमें इमरजेंसी ऑपरेशन का भी डिसीजन लेना पड़ता है। आज मेरे साथ एक ऐसा ही केस है जो कि उनके घुटने में पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एकदम अचानक से एक दिन गिर गए और उनके जो मेनिस्कस था वो लॉक हो गया। उसकी वजह से हमें उन्हें अर्जेंट ही सर्जरी करके मेनिस्कस रिपेयर और ACL का ऑपरेशन करना पड़ा। आज वो हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? अशोक मीना। अशोक जी, आप कैसे गिर गए थे घर पे? मैं बाथरूम में गया था, वहाँ स्लिप हो गया पैर। पहले से भी मेरा ACL था, पर चल रहा था, मैं चल रहा 2 महीने से, फिर स्लिप होने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मेरे को। उस वक्त आपका मेनिस्कस लॉक हो गया था, तो जो आप लोगों आपको हमारे बारे में जो जानकारी थी वो कैसे लगी थी? मैं यूट्यूब पे सर्च किया था, और वैसे मैं एक दो से मिला था, फिर वो बोले कि अच्छा है वहाँ करा लो, फिर वो उन्होंने मेरे को अच्छा व्यूवर्स वगैरह से भी बताया, तो मैंने यहाँ आया फिर आपके पास। आपका जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन में बहुत दर्द होगा, बहुत दिक्कत होगी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ, आराम से हो गया। बाद में मेरे को पता चला कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो भी दर्द नहीं है मेरे। तो मान लो अगर कोई दोस्त हैं जो अहमदाबाद में या फिर जयपुर के रहने वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ACL की प्रॉब्लम है, आप क्या मैसेज दोगे उनको? मैं सबसे बढ़िया बताऊंगा, सबसे अच्छा डॉक्टर नवीन शर्मा है, वहाँ जाओ, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। फिजियोथेरेपी करने की भी जरूरत नहीं है, वही बता देते हैं सारा ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो भी फिजियोथेरेपी होती है वो ऑनलाइन हम बताते हैं, आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी आपकी ट्रैवलिंग बच जाती है और बार बार आपको परेशान भी नहीं होना पड़ता। अगर आप लोगों को भी ACL की प्रॉब्लम है और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी जगह आपका बेस्ट इलाज होगा, तो आप मेरे यहाँ पर आ सकते हैं, नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है अशोक जी, बेस्ट ऑफ लक। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं।